तो लीजिए दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं एक और न्यू अनबॉक्सिंग। और ये पार्सल हमारे पास आया है राज कॉमिक्स भाई मनोज गुप्ता जी की तरफ से, क्योंकि उनकी वेबसाइट पर चल रही थी फ्राइडे ब्लैक फ्राइडे सेल, जिसपे मिल रहा था 25% का डिस्काउंट। तो वहाँ से हमने ये ऑर्डर लगाया था और इसमें हमने मंगाए थे कुछ डाइजेस्ट, बेहतरीन डाइजेस्ट, जो कि हमारे कलेक्शन में संग्रहालय में नहीं थे। तो इन्हें जगह देने के लिए हमने ये सभी ऑर्डर किए थे, क्योंकि अच्छा खासा डिस्काउंट यहाँ पर हमें दिया जा रहा था श्री मनोज गुप्ता जी के द्वारा ब्लैक फ्राइडे सेल के ऊपर, जो कि था पूरे 25% का डिस्काउंट। और ये देखिए दोस्तों, ये है हमारी कॉमिक्स जो कि हमने मंगाई हैं श्री मनोज गुप्ता जी से। और ये देखिए पहली कॉमिक्स है खूनी खिलौने। तो आप सोच रहे होंगे कि खूनी खिलौने क्यों मंगाई है, क्योंकि ये मेरे पास पहले भी कॉमिक्स थी जो कि नॉर्मल थी, और मैंने सोचा चलो ग्लोसी में ये मंगा लेते हैं। और इसके पीछे भी एक रीज़न था, जो रीज़न क्या था वो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आखिर मैंने ये कॉमिक्स क्यों ऑर्डर की है, सुपर कमांडो ध्रुव की खूनी खिलौने। तो और ये देखिए दोस्तों, ये है कॉमिक्स एंथोनी डाइजेस्ट नंबर 8। और ये और इसके अंदर ये एंथोनी की सभी कॉमिक्स रहने वाली है। आई थिंक इसमें 5 से 6 कॉमिक्स रहने वाली हैं, तो उसके लिए हम एक अलग से डिटेल वीडियो बनाएंगे। और ये है तिरंगा डाइजेस्ट नंबर 2। जी हाँ दोस्तों, ये है तिरंगा डाइजेस्ट नंबर 2। इसकी स्पाइन भी देखिए, और इसमें भी 4 से 5 कॉमिक्स रहने वाली हैं, जिसका वीडियो हम अलग से डिटेल वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, क्योंकि इसमें ये वीडियो अगर डिटेल देने लगे तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए हम अलग से एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। और ये देखिए दोस्तों, ये गलती से तिरंगा की 2 कॉमिक्स ऑर्डर हो गई हैं, क्योंकि मैंने मुझे यहाँ पर शक्ति का वो डाइजेस्ट लेना था, लेकिन गलती से तिरंगा डबल हो गया। और ये है गमराज सेट नंबर 1, डाइजेस्ट नंबर 1 गमराज की है ये। और इसके अंदर भी आई थिंक 5 कॉमिक्स होने चाहिए, क्योंकि 4 कॉमिक्स तो नहीं है, लगभग 5 से 6 कॉमिक्स इन डाइजेस्ट के अंदर है। और इसके बाद ये नंबर आता है तिलिसन देव का। तिलिसन देव भी राज कॉमिक्स का एक बेहतरीन पौराणिक प्राचीन करेक्टर है, काफ़ी अच्छी कॉमिक्स आती थी तिलिसन देव की भी। और ये है सुकराल, समुंदर का राजा सुकराल, तो ये भी हमने ऑर्डर कर दी थी, क्योंकि इसके भी कुछ एक इशू आए थे, तो ये अच्छा काम किया है श्री मनोज गुप्ता जी ने। और ये है अश्वराज, जिसके अंदर अश्वराज की 6 बेहतरीन कॉमिक्स हैं स्टार्टिंग की, तो ये काफ़ी अच्छा काम किया था मनोज गुप्ता जी ने कि इनके एक डाइजेस्ट फॉर्म में ले आए थे, और रेट भी इसके काफ़ी ज़्यादा कम रखे गए हैं। और ये है गोजो, राज कॉमिक्स का बेहतरीन पौराणिक प्राचीन ही सुपर हीरो गोजो। तो ये लगभग जितने भी इसके डाइजेस्ट आए थे, ये सभी डाइजेस्ट हमने ऑर्डर किए हैं। और इसमें इंस्पेक्टर स्टील कहाँ पीछे रहने वाला था दोस्तों, इंस्पेक्टर स्टील को भी हमने यहाँ पर अपने कलेक्शन में जगह दी है। और ये है डाइजेस्ट नंबर 2, इंस्पेक्टर स्टील। और इसके बाद ये है योद्धा। जी हाँ, हमारे कॉमिक्स ऑर्डर का आखिरी कॉमिक्स है ये डाइजेस्ट है योद्धा। जो योद्धा, इसमें डाइजेस्ट नंबर रहने वाली है 1। तो दोस्तों, इनका हम एक अलग से स्पेशल वीडियो बनाएंगे, जो कि जल्द ही आपके सामने आ जाएगा। उसमें हम आपको डिटेल बताएंगे कि किस डाइजेस्ट में कितनी कॉमिक्स है और कौन कौन सी कॉमिक्स इन डाइजेस्ट के अंदर आई है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा दोस्तों। आपको सभी एक बार दोबारा दिखा देते हैं कि ये हमने 10 डाइजेस्ट लिए हैं। एक डाइजेस्ट हमारा शक्ति का था, वो मिस हो गया है, उसकी वजह से ये 2 तिरंगा के डाइजेस्ट हमारे पास आ गए हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, उसको हम नेक्स्ट ऑर्डर में अप्लाई करेंगे, किसका, शक्ति का। तो अब बात आती है खूनी खिलौने की। तो दोस्तों, ये खूनी खिलौने मैंने आखिर क्यों ली है, एक वजह तो ये थी कि मेरे पास इसका पुराने वाला वर्जन था, नया वर्जन नहीं था, तो मैंने सोचा चलो इसका नया वर्जन हम ले लेते हैं। और दूसरा कारण ये था दोस्तों कि जितने अमाउंट पे मुझे 25% का जो डिस्काउंट दिया जा रहा था, वो अमाउंट पूरे करने के लिए मुझे इसको ऐड करना पड़ा, तब जाकर मुझे उस अमाउंट पर 25% का डिस्काउंट मिला था।